के नौवीं बटालियन के मैदान में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक केपी वेंकटेश्वर राव ने पुलिस स्मृति दिवस में देश के शहीदों को याद किया। रीवा में मौजूद शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया, अपने आप में काफी गौरवमयी आयोजन। रीवा के नौवीं बटालियन के मैदान में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक केपी वेंकटेश्वर राव के मुख्य अतिथि में पुलिस स्मृति शहीद दिवस मनाया गया। हम आपको बता दें, पूरे देश में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद हुए पुलिस कर्मियों को खास तौर से श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, उनके परिजनों को सम्मानित किया जाता है। ऐसा कुछ रीवा में भी हुआ। रीवा में 9वीं वाहिनी बटालियन में शहीद दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में केपी वेंकटेश्वर राव अतिरिक्त पुलिस महाअधीक्षक रीवा ने 9वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल द्वारा श्रद्धांजलि सभा के दौरान देश में हुए शहीदों को याद किया। खास तौर से बालाघाट का जिक्र उन्होंने किया, जब वो उस समय वहां पर पोस्टेड थे। नक्सलाइट हमले में 1994 में पुलिस वाले शहीद हुए थे। 9वीं बटालियन के कमांडेंट साकेत पांडे ने शहीद स्तंभ में अशोक चक्र से उनको नमन किया। वहीं परेड द्वारा सलामी दी गई। शहीद स्मारक के मुख्य अतिथि केपी वेंकटेश्वर राव ने देश में शहीद हुए सैनिकों के नाम पढ़कर उनका वाचन किया, शहीद हुए उनके परिजनों को सम्मानित किया। यहां पर सम्मान में सलामी देने के लिए शस्त्र को झुकाया गया, बिगुल बजाकर भी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। पुष्प मालाओं द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। यह नजारा काफी भावुक करने वाला था। जब शहीद के परिजनों को सम्मान होने लगा, अपने आप काफी हृदय विदारक था। परिजन अपने परिवार के उन लोगों को याद कर रहे थे जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दे दी, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनको याद करके परिजनों की आंखों में आंसू थे। रीवा के 9वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल द्वारा जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, अपने आप में काफी गौरवमयी था। वहां पर हर मौजूद शख्स अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा था, जिस तरीके से देश के लिए हमारे वीर शहीदों ने शहादत दी। अपने आप में उनका पालन काफी लोग करने के लिए उत्साहित हो रहे थे। कुछ इस तरीके का नजारा भी देखने में नजर आया। हमने इस बारे में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से बात की। आइए आपको सुनाते हैं केपी वेंकटेश्वर राव अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने क्या कुछ कहा। आज पूरे भारतवर्ष में पुलिस शहीद दिवस, पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जा रहा। इस वर्ष 261 पुलिस पर्सनल जो हैं शहीद हुए। मध्य प्रदेश के कुछ 16 लोग शहीद हुए, तो ये हम उनके स्मरण में, उन्हें जो देश के लिए जो बलिदान दिया उसके स्मरण में हैं, उनके नमन करते हुए परेड हर वर्ष होता है। इस वर्ष भी 9th बटालियन के कमांडेंट के द्वारा यहाँ अमर वीर जवानों की परेड आयोजित की गई। उनको यहाँ हमें कमिश्नर साहब और DI साहब सब लोग आए, उनको हमारे तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की है। और जो नक्सल एरिया में जो बालाघाट में विशेष रूप से 1994 में 11 जो हुए 9वीं वाहिनी के 11 पुलिस अधिकारी कर्मचारी लैंडमाइन में ब्लास्ट में शहीद हुए। समय नक्सलियों द्वारा ये गाड़ी में जा रहे थे, हमारे बड़ी वाहन में वाहन को उड़ा दिया गया था। बहुत बड़ी एक घटना है। और 97 में भी मैं जब वहाँ पदस्थ था बालाघाट में, एक सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल को भी उन्होंने घात लगाकर उनकी हत्या की गई है नक्सलियों द्वारा। तो इन लोगों की मनसूबों को हमको चोर चोर कर देंगे। बालाघाट पुलिस द्वारा अभी पिछले 3 सालों से कई ऑपरेशंस में नक्सलियों को उनकी दीवार, पुलिस वाली दीवार बन के हमने उसको कार्रवाई कर रहे हैं कि ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो ये इस तरह की कार्रवाई हम करते रहेंगे। और पुलिस पर्सन के उनके परिवार को भी हम लोगों ने आज उनको सम्मान दिया, उनको उनके परिवार बच्चों द्वारा जो बलिदान दिया उनको हमने स्मरण किया। वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है।